पता है जियान, आज हमारी ट्रिप वाली फोटो मुझे मिल जाएंगी और उन्हें लेने तुम मेरे घर पर आ सकते हो। वही फोटोज ना जो हमने माउंट टकाई पर खींची थी। काश वो सारी फोटोज अच्छी आई हो सुनियो। पक्का वो अच्छी ही आई होंगी। वो कैमरा बिल्कुल नया ऑटो फोकस मॉडल का था, मौसम भी अच्छा था। तुम लोग तो जानते ही हो कि वो फोटोज मैंने खींची थी, और मेरी खींची हुई फोटोज भला बुरी कैसे हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। क्यों है ननोबिता? बेशक सुनियो। वो फोटोज आ गई है। जाओ, इनको सबसे पहले मैं देखूंगा, उसके बाद ही किसी को मिल पाएंगी। चलो घर चलकर देखते हैं। ठीक है, चलो। अरे वाह, ये तो बहुत सारी फोटोज हैं सुनियो। वाह। हाँ, मैंने वहाँ पर 36 फोटोज वाले 10 रोल इस्तेमाल किए थे। ये हूँ मैं, ये भी और ये भी और ये बहुत सुंदर हैं। हाँ, तुम क्या कहते हो? दरअसल मुझे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है और भविष्य में मैं एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर बन सकता हूँ। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? हाँ? अरे वाह शिजुका, इसमें तो तुम्हारी भी फोटो है। क्या सचमुच? खुद ही देख लो। शुक्रिया सुनियो। हाँ? तो कैसी लगी ये फोटो? हाँ, बहुत अच्छी। सुनियो, इसमें मेरी कोई फोटो है या नहीं? देखता हूँ। हाँ जियान, तुम्हारी फोटो मिल गई, तुम इसे देख सकते हो। सुनियो, क्या इसमें मेरी कोई फोटो है? अब तक तो नहीं दिखी। नहीं दिखी? जरा ठीक से देखो। ये मैं हूँ और ये है जियान और ये रही शिजुका। क्या मेरी एक भी फोटो नहीं है? मैं तुम्हें ये देखने के बाद दे दूंगा। शायद तुम्हें फोटो खिंचवाना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, यही कारण है कि तुम्हारी फोटोज बहुत कम हैं। ये मैं हूँ। इस फोटो में मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। इस पर भरोसा करने के बजाय मुझे भी अपना कैमरा लेके जाना चाहिए था, मेरे कुछ तो फोटोज मिलते। ओ, ये रहा नोबिता। क्या कहा, सचमुच? हाँ हाँ, इस फोटो को देखो, इसमें तुम हो। ये क्या सुनियो? अगर पसंद नहीं है तो वापस कर दो। हाँ कर दूंगा, लेकिन एक बार इसे जरा ठीक से देखने तो दो। सुनियो, तुम्हारा तो दिमाग खराब है। बिल्कुल ठीक। तुम्हारा स्वागत है बच्चों। हेलो आंटी। गुड आफ्टरनून आंटी। गुड आफ्टरनून बच्चों, ये लो, खूब मजे करो। वाओ। देखिए मॉम, क्या ये फोटोज अच्छी नहीं है? मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी। कितने सुंदर फोटोज हैं सुनियो बेटा, इसमें तो तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। ये सारी फोटोज तो बहुत ही अच्छी हैं। शुक्रिया मॉम। तुम्हारे नए नक्श तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल मेरी तरह, इसलिए तो तुम फोटो में इतने सुंदर लग रहे हो बेटा। क्या सच में मैं बहुत ही हैंडसम हूँ मॉम? हाँ हाँ, तुम बहुत हैंडसम लड़के हो। अरे नहीं मॉम, मैं उतना भी हैंडसम नहीं हूँ। तुम बहुत शर्मीले हो, बिल्कुल अपने डैड की तरह। क्या मॉम, आप बिना हद ही करती हैं। जरूर सुनियो ने ऑटोमेटिक टाइमर यूज किया होगा, इसीलिए ज्यादा फोटोज सुनियो की आई हैं। इसलिए मैं सिर्फ कुछ ही फोटोज में हूँ, सुनियो बहुत ही चालाक है। और पता है तुम्हें, मेरी तो सिर्फ एक ही फोटो आ पाई है। मैं घर आ गया। अरे नोबिता, तुम आ गए, क्या बात है? जरा इसे देखो। अरे ये क्या है? देखो, जब हम घूमने गए थे तब की फोटो है। हा? हा? ये डॉल कितनी प्यारी है। है ना प्यारी? मैं हूँ डोरा ज़ेमोन, तुमसे मिलके अच्छा लगा। ये सब भूल जाओ डोरा ज़ेमोन, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुम प्लीज एक बार उस फोटो को ध्यान से देखोगे? ओ माफ करना। हा? ये बेकार है। है ना, मैं भी यही कहना चाहता था। बाकी कहाँ है? वो बात ये है डोरेमोन की, मैं सिर्फ इसी फोटो में हूँ। पर तुम ये भी नहीं कह सकते नोबिता कि तुम पूरी तरह इस फोटो में हो। ये बात तो मैं भी जानता हूँ डोरेमोन, कुछ फोटोज मुझे खुद खींचनी चाहिए थी। वो जगह भी कितनी सुंदर थी, मैं शिजुका के साथ अपनी एक भी फोटो नहीं ले पाया। ओ नोबिता रो मत, मैं तुम्हें कुछ खास दिखाता हूँ। ये एज यू लाइक इट फोटो प्रिंटर क्या है? मैं समझाता हूँ। क्या तुम मजाक करना बंद करोगे? सॉरी। ये मशीन बेकार फोटो को आपके मन मुताबिक सही करने में मदद करती है। हाँ?
अब मैं इस फोटो को यहाँ रखूँगा और स्विच ऑन कर दूंगा। देखा, मैं इस फोटो में होता अगर कैमरा थोड़ा दूर रखा होता तो मैं कैमरे को पीछे खींच लेता हूँ। ओह, मैं फोटो में आ गया। अरे अरे रुको, तुम बहुत दूर चले गए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा नोबिता। चलो इसे इतना करके देखते हैं। क्या ये ठीक है नोबिता? अब हम इसे प्रिंट कर लेते हैं। हाँ, अब मैं इसमें अच्छी तरह फिट हो गया। ये यिप्पी। लेकिन तुम शायद मुझसे कुछ छिपा रहे हो। हाँ, बात ये है कि मैं पिछले शनिवार हाइकिंग पर गया था। पर तुमने मुझसे अपने साथ आने के लिए नहीं पूछा था। डोरेमोन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुमसे पूछा था, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हें डोरामी से मिलना है और फिर तुम टाइम मशीन में कहीं चले गए। तुम्ही ने इनकार किया था। अच्छा, तो ये बात है नोबिता, तो फिर मुझे माफ कर दो। चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। कहाँ गई? कितनी धूल और मिट्टी है। ये क्या है? ये मेरी एल्बम है। चलो देखते हैं। अच्छी है ना? ये फोटो ठीक है। तुम्हें पता है नोबिता, ये मशीन सारी चीजें कर सकती है। वाह! देखा तुमने, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि मैं भी तुम्हारे साथ गया था? हाँ, लग रहा है। क्या हम इस गैजेट के जरिए कुछ और नहीं कर सकते? अगर और फोटो होती तो मैं शायद कर पाता। अब मेरी समझ में आया। शिज़ुका, ये लो तुम्हारे लिए। हाँ, इसमें डोरेमोन, पर वो कहाँ से आ गया? मत पूछो। शिज़ुका, क्या तुम मुझे ट्रिप वाली कुछ फोटोज दे सकती हो? डोरेमोन, एक भी फोटो अच्छी नहीं है ना? ठीक है, हम सारी फोटोज ठीक कर देंगे। सच्ची? तो चलो डोरेमोन, हम पहली वाली फोटोग्राफ से शुरू करते हैं। ओके। उस गंदे सुनियो ने ऑटो टाइमर सेट किया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। देखा तुमने? अरे ये फोटो तो बहुत आसानी से ठीक हो जाएगी। बस इसका एंगल चेंज करके। अब कैसी है? हाँ, ये तो बहुत अच्छी है। अब प्रिंट करते हैं। अब तुम्हें मजा आएगा सुनियो। चलो बाकी फोटोज भी जल्दी से सही कर दें। ये क्या है? वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि मैं स्लो था। अच्छा, तो इस फोटो में तुम इन लोगों से दूर हो, है ना? अरे देखो, वो रहे तुम। डोरेमोन, इस फोटो का प्रिंट तुम मत ही लो। पर क्यों? ये एक अच्छी फोटो है। बुरा मत मानो, आगे चलो। ठीक है। वाह, कितना सुंदर फूल है। हाँ, ये फूल तो मुझे मिला था, पर सुनियो ने मुझे एक तरफ धकेल दिया था। तो चलो वक्त में वापस चलते हैं। हाँ, डोरेमोन, क्या ऐसा हो सकता है? देखा, मुझे ही वो फूल मिला था। सही कहा। क्या हम इसे प्रिंट करें नोबिता? टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करो डोरेमोन, मुझे देखना है कि वहाँ क्या हुआ था। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, बस यहाँ। सुनियो ने फूल तोड़ने की कोशिश की थी और शिज़ुका ने उसे डांटा था। चलो इसका प्रिंट ले लेते हैं, एक शिज़ुका के लिए और एक सुनियो के लिए। अब अगली देखते हैं। ये तब है जब मैं ऊपर चोटी पे पहुंचा था। मैं बस इसका भी एंगल बदल दूंगा। ओके, अब प्रिंट ले लो। ओ, वो देखो, बाइनोकुलर्स। सबने बारी बारी से उसमें से देखा था, लेकिन उसने मुझे इस्तेमाल करने नहीं दिया। उसने कहा कि मैं उसे तोड़ दूंगा। वहाँ छोटे छोटे पक्षी और गिलहरियाँ भी थी, पर मैं किसी को भी नहीं देख पाया। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बाइनोक्युलर्स की मदद से वो प्रिंट करूँगा जो उन्होंने देखा। सच में? कितना सुंदर है। वाओ, प्रिंट करो, इसे भी प्रिंट कर दो और इसे भी। हमें कुछ बढ़िया फोटोज मिल गई हैं, क्यों, है ना डोरेमोन? चलो अब मशीन को रख देते हैं। एक मिनट रुक जाओ, क्या अभी कुछ रह गया है?
इसके बाद वहाँ अचानक तेज बारिश हो गई। जब बारिश रुकी तो वहाँ एक सुंदर रेनबो बन गया, पर उस वक्त हुआ ये कि हमारे कैमरे का रोल खत्म हो गया। कुछ कर सकते हो? चलो कोशिश करते हैं। हाँ, मुझे टाइम और एंगल दोनों बदलने होंगे, इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा। चलो देखते हैं। हो गया। यही तो मैं देखना चाहता था। ये नजारा कितना प्यारा है ना डोरेमोन, तुम्हारा क्या ख्याल है? बोलो ना। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो इसे बड़ा करते हैं और सबको दे देते हैं। इसके बाद तुमने क्या किया था नोबिता? इसके बाद हम पहाड़ से नीचे उतरे। ठहरो, उस पेड़ के बीच में जूम करना जरा, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ? नहीं नहीं, थोड़ा ऊपर। हाँ हाँ, रुको, बस बीच में, अभी जूम करो। हाँ, ये क्या? सुनियो, अपने बायनोकुलर घर ले जाना भूल गया था। मिल गए। हाँ? हाँ, सच्ची? ये लो। थैंक यू। सुनियो जरूर बहुत ही खुश होगा नोबिता। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए सुनियो। क्या ये सही है कि तुम ट्रिप पर बाइनोकुलर्स लेकर गए थे और वो तुमने घुमा दिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मॉम, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने बाइनोकुलर्स को छुआ तक नहीं है, सच में। क्या ये बात सच है? हाँ ये सच है। मुझे तुम पर पूरा यकीन है सुनियो बेटा, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आपका शुक्रिया मॉम। सुनियो, हम वो चीज वापस ले आए जो तुम ट्रिप पे गलती से भूल गए थे। मैं तुम्हारा बाइनोक्युलर लाया हूँ। अपने सामान का ख्याल रखा करो। अरे सुनियो, तुम इस तरह चुप क्यों हो? कुछ कहते क्यों नहीं? मैं तुम्हें छोड़ूंगी।